हर साल की भांति कस्बा तहसील नदवई में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार क्षेत्रीय कलाकार भाई शिव सिंह सोरावली ढोलक पर संगति कर रहे हैं। भाई गौरव फौजदार मोरोली से पेड़ पर झंकार दे रहे हैं। भाई अजयपाल सहारे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जरूर से आइए क्या लिखा शांति बनाए बड़ा ही आनंद आएगा। गाने वाले एक से एक बढ़िया आपके सामने प्रस्तुति देते हुए जाएंगे। और भैया कवि लिख रहा है गौरव जी, क्या बता दिए भैया जरद है रिति सिद्धि सहित पधारो गौरी पुत्र गणेश कुटुम सहित सब देव पधारो ब्रह्मा विष्णु और आइए देखिए एक समय विश्वमोहिनी का स्वयंवर लगा हुआ था और भैया स्वयंवर में नारद जी विष्णु भगवान से हरि का रूप मांगने चले गए। माने तुम जानते हो भगवान भी होता है हरि माने बंदर भी होता है। और जब स्वयंवर लगा हुआ है तो आज विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और विश्वमोहिनी माला लेके खड़ी हुई है और नारद जी लाइन में लगे हुए हैं। और भैया जी एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया और सवरे बैठे मुल्ला काजी और मियां बीवी की है राजी और सभी से निवेदन है एक बार दोनों हाथों ने खड़े करके और बंसी बारे को जयकारो जरूर दे दो पवित्र करते भाई दोनों हाथों ने खड़े करके बोल गिरिराज महाराज की। कैसे भैया गौरव और समरे बैठे मुल्ला काजी और मियां बीवी की है राजी और सभा के अंदर और बैठे बंदर और सब लपका मास्टर और सब लपका देखत रह गए और दादाजी सब लपका देखत रह गए क्यों ओ दिल वाले दुल्हनिया सुनने के ना सुनने साहब सिंह वो आनंद आरो गनारो भैया सवरे बैठे मुल्ला काजी मियां बीवी की है राजी जो सभा के अंदर बैठे बंदर
वाला पका। एक बार भाई के लिए ताली जरूर बजा दे साहब। हो सबा लपका ये, हो सबा लपका देखा रह गए ओ दिलमाल को। और एक बार सभी से निवेदन, भैया गौरव क्या रखा मसाब, और ध्यान को लगा दें। एक समय का जिक्र है, बात में बीच बीच में सारी बातें आएंगी जिनके उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम कराया जा रहा है, भी सारी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, बारी बारी से सभी कलाकार पेश करेंगे। और भैया ध्यान को लगा दें, एक समय पांचों पांडवों ने महाभारत को विजय कर लिया, और आज कौन नींद से विचलित होकर के भीमसेन बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच गए, और धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज ना जाने इन बुझाओं में कितना बल है, कितनी ताकत है, मैंने महाभारत के अंदर अच्छे अच्छे दाने और अच्छे अच्छे राक्षसों का वध किया, और अकेले महाभारत के अंदर 100 करोड़ों का वध अकेले भीमसेन ने किया। धर्मराज हंस गए, मुस्कुरा गए, कहने लगे, अरे भीमसेन कहना क्या चाहता है तू? भैया तुम्हारी इजाजत हो तो मैं दोबारा से उसी बियाबान जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ जहाँ पर कि मैंने कीचक का वध किया। और भैया आज भीमसेन करते क्या है और क्या लिखा भैया? रे दई इजाजत धर्मनी और कोई भीम से न हर सा और चलती बार कोई और भीमनी मास्टर और लइए गदा इजाजत भरमाने जो कोई भीमसेन हर चलती बार कोई भीमने भैया लइए गदा उठाए पादना लइए गदा उठा। कभी लिख रहा है इसी जगह पर भैया गौरव, क्या माया मरीना मन मरा छोरा मर मर गए सरी वाह बेटा वाह आशा आशा और भीमसेन आज्ञा लेकर के बियाबान जंगल की तरफ चला जा रहा है। और भैया लिखा
दई इजाजत धर्म ने कोई भीम से इन हर्षाय और चलती बार कोई भीम ने फिर लइए गदा उठाए गदा को उठा लिया और भैया बियाबान जंगल की तरफ रात्रि के समय प्रस्थान कर रहा है और क्या लिखा बेटा गौरव रे कैसे भैया जो चले रे हाथी रे और झूम रहे हो और आज बनी मेरे भीम और या कितन में जोर अपार रे नाए कोई सी और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक के लिए दे रहे बार बार धन्यवाद भैया एक तेत पनी के बीच बनो भीमा के तन से रही जाए प्यास सताई है और लंबे लंबे पाम धरे जी गयो संत ढिंगा के हाथ जोड़कर भीमसेन बाबा ते बोलो बानी अरे बाबा मोए प्याज दे ठंडो आज के बाबा के पास पहुंच गया भीमसेन और कह रहा है बाबा मैं रात्रि का समय हो गया है मैं थक भी गया हूँ मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है बाबा मेरे लिए जल की व्यवस्था करो और बेटा गौरव आज जब इतनी बात को सुना तो बाबा ने एक गोल इशारा कर दिया और वो इशारा क्या कर दिया ख्याल खाओ और ख्याल खा भैया पैसा ले आओ अच्छा और ये 100 पहले और 100 फिर से क्या नाम है साहब योगेश जी नन्ना सा बच्चा है हमारे लिए दे रहा है बार बार धन्यवाद और थाली बजाई ख्याल खा भैया और जागे गए तपदारी
और जानी खोल दही दो चंद्रवान जी हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए हमारे ढोलक वादक को जीका बारे का ही छोड़ रहे हैं हमारे यहाँ, जीका बारे मत छोड़ो। हाँ, एक बार ताली जरूर बजा दे साहब, ख्याल खा। और आज भीमसेन पानी पी करके उसी बाबा के पास आ जाता है और कहता है, बाबा मुझे रात्रि का समय हो गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विश्राम आपकी कुटिया में कर लूं, कैसा रहेगा। और आज भीमसेन के लिए इशारा दे दिया। और क्या इशारा दे दिया भैया गौरव, क्या लिखा? और रात अंधेरी छाई है और देता संत की कुटिया में फिर नींद भी नहीं मिल सकती। और आज के युग में एक बात देखे तो पैसा बिना हाथियों का छूना, पर ये छोरा ढोलक बजा रहे मलुक सो मलुक सो सिन सिन बार भोता यू पैसा दे बजा रहे हो। और मैं भजन गावे आया हूँ शिव सिंह चोरावली को, मैं हूँ पैसा दे गावे आया हूँ। और देखो ये छोरा 15 साल की उम्र है, प्रीत शर्मा बेचारो साउंड है बजा रहो तो जीव पैसा के बजा रहो है, पर कछु चीज ऐसी है जो पैसा थे जीवन में ना मिले भाई साहब। कैसे ये मंदिर मिल जाए भगत तो मिले, भगवान मिले ना पैसा से, जीवन 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 मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से।
मौका नहीं मिलता। स्वागत और सत्कार मिले, सम्मान मिले ना पैसा से, आप भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से, और पैसा से कहा मिलो कहा ना मिलो फिर भूलो तैयार ना हो। चंदा ठेकेदार जी हमारे साथ 200 रुपया है गे इनके मास्टर, और रूप रंग अच्छी भाषा भाषा और जात मिले ना पैसा से, रूप रंग अच्छी भाषा और जात मिले ना पैसा से। सुगड़ सलोनी पति व्रता सी नारा मिले ना पैसा से, और बेटा होंगे सरवन घर घर राम मिले ना पैसा से, जीवन छोड़ा जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से, और मास्टर पैसा के कहा मिलो और कहा ना मिलो, बच्चों को आदर्श पिता डोकरी डोकराऊ पैसा ते बढ़िया ना मिले। आजकल के डोकरा कैसे दिन मुंदे जाएंगे अड्डे माऊ छोरा तक कहेंगे बेटा मैं सब्जी मंडी में जा रहा हूँ सब्जी ले गए, और सब्जी मंडी में पहुंच रहे पीछे पहले ठेका पे पहुंच रहे ठेका पे और एक देसी को डायो और एक देसी के जीएम में धर के छोरा तक कहने छोरा फ्रिज में तो बोतल निकाल के ला, मूड बहुत टेंशन में बेटा छोरा है तीनों सौ छोरा देख रहो डोकरा दवाइया मिला रहो पापा पेप्सी पी रहो हैं पापा पेप्सी थोड़ी पी रहो पापा तो कीटाणु ने मार रहो कीटाणु ने भैया, ये बच्चों को आदर्श पिता और माँ तो मिले ना पैसा से, बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसा से, गौरव बेटा होंगे सरवन घर घर राम मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना और कैसे कैसे नाम है और कैसे कैसे काम है कैसे बेटा गौरव काल की तीन मिनट रह गई है तो तीन मिनट कोई गाना सुन लो ख्याल खा बेटा, और लेड़ कुटी इन नामन की नामन को धुआं धार मचा के बतिक दियो, और पंडित इतने होशियार रह गए हैं पंडित ने भी पिछले पत्रा फेंक दिए, अब तो साहब नेट के पत्रा मंगा रहे हैं लेस्टास्टिक बिल्कुल मॉडर्न मास्टर कैसे भैया, और कैसी रेड़ कुटी इन नामन की और या कलयुग में भैया
को नाम धर दियो श्री कृष्ण कृष्णा बेऊ कृष्णा है। और आज कल के कृष्णा कहा कर रही दादा श्री कृष्ण आलू लगू खोदे खोदे। ये श्री कृष्ण के काम है भैया। श्री कृष्ण आलू लगू खोदे और छोरा को नाम धर दियो बलदाऊ बलराम बलराम का कर रो है ये बलदाऊ खन्ने खोदे और छोरी को नाम धर दियो राधा राधा। और नेक चले जाओ कोसी माऊ कोसी पैगाम इतकु चले जाओ राधा का कर रही है चौमासियन में दादा ये कर राधा राधा।